बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी की अहमियत बढ़ी तो वो थी राजद की, तेजस्वी यादव की और उनके विधायकों की, जो महागठबंधन की सरकार में मंत्री बन गए। अलग अलग विभाग की जिम्मेवारी संभाल रहे थे, नीतीश कुमार के साथ बैठकों में शामिल हो रहे थे। लेकिन हाल में जेडीयू और आरजेडी के बीच राम के नाम पर जो विवाद मचा है, चाहे वो सुधाकर सिंह का मामला हो या प्रोफेसर चंद्रशेखर का, दोनों नेताओं ने आरजेडी के जो विधायक हुआ करते थे जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, चंद्रशेखर फिलहाल शिक्षा मंत्री हैं जबकि सुधाकर की विदाई हो गई है मंत्रिमंडल से, लेकिन आज भी चंद्रशेखर और सुधाकर नीतीश को मुसीबत में डाले हुए हैं। इसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि तेजस्वी यादव भले ही नीतीश कुमार को लेकर सफाई दे रहे हों कि महागठबंधन के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार हैं, लेकिन नीतीश कुमार जब समीक्षा बैठक कर रहे हैं, आरजेडी कोटे के मंत्रियों के जिम्मे वो विभाग है, फिर उनको क्यों नहीं बुलाया जाता है? उप मुख्यमंत्री होने के नाते तेजस्वी यादव को उस बैठक में क्यों नहीं रखा जाता है? सरकार अधिकारी चलाते हैं या मंत्री? अब बड़ा सवाल उठने लगा। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सीएम संवाद में एक बैठक की धान अधिप्राप्ति को लेकर। इस बैठक में जो चेहरे मौजूद थे नीतीश कुमार के दाहिने और बाएं, उस पर अब सवाल उठने लगा है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी कोटे के मंत्रियों के साथ सहज नहीं दिख रहे हैं? ना तेजस्वी के साथ बैठ रहे हैं और ना ही आरजेडी कोटे के मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठकर नीतीश कुमार कोरम पूरा कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला क्या है समझेंगे अपने सहयोगी आर्यन नंद शर्मा से। आर्यन, आज मुख्यमंत्री की एक बैठक हुई, समीक्षा बैठक धान अधिप्राप्ति को लेकर, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि उस बैठक में महागठबंधन के जो मंत्री हैं, नीतीश कुमार के अलावा कोई मंत्री नहीं दिखा, पूरे अधिकारियों की जो फौज थी वो दिखे, तमाम जिलों के जो डीएम हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ गए थे, लेकिन ना सहकारिता मंत्री जुड़े, ना कृषि मंत्री उस कार्यक्रम में थे और ना ही डिप्टी सीएम होने के नाते तेजस्वी यादव, आखिर क्या माजरा है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से बात की जाए तो जिस तरीके के सियासी बयार और सियासी रार बिहार के सियासत में है, ऐसे में सवाल सिर्फ एक उठ रहा है कि क्या जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच ऑल इज़ नॉट वेल? हालांकि दोनों ही पार्टी के नेता इस पर खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप यही बता रहा है। देखिए, इससे ठीक पहले एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जल जीवन हरियाली के चौथे वर्षगांठ को लेकर हुआ था, उसमें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, जेडीयू कोटे के दो तीन मंत्री थे, लेकिन जल जीवन हरियाली के अंतर्गत आधा दर्जन से ज़्यादा जो मंत्रालय है उसमें राष्ट्रीय जनता दल कोटे के ही मंत्री हैं, लेकिन कोई भी चेहरा उस बैठक में उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचा। और अब जब धान खरीद को लेकर सीएम नीतीश बैठक कर रहे थे तो इसमें दो मंत्रालय इस विभाग के अधीन होता है जहां धान की चर्चा होती है, एक कृषि विभाग, दूसरा सहकारिता विभाग, दोनों विभाग राष्ट्रीय जनता दल के पास है। और इस बैठक में दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही मंत्री मौजूद नहीं थे, सीएम नीतीश ने दोनों विभाग के जो सचिव हैं उनके साथ बैठक की। आप इस बात को ऐसे समझिए गणेश, नीतीश कुमार जब भी अनकम्फर्टेबल या असहज महसूस करते हैं तो वो लोगों से मिलना बंद करते हैं, वो लोगों को देखना भी बंद कर देते हैं, उन लोगों से जिनके साथ वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं। ये ऐसा विभाग है कृषि का जिसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल के कोटे के मंत्री रहे सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला था, उस मैनिफेस्टो को लेकर वो सामने आए थे जिस पर सीएम नीतीश की तस्वीर थी और वो कृषि रोड मैप था। तो अब एक बार फिर कृषि विभाग का जब चर्चा हो रहा है तो जो हालात बिहार में कृषि को लेकर हैं वो जगजाहिर हैं। धान प्राप्ति की अब बात कर ले तो जब नीतीश कुमार बैठक कर रहे थे, बैठक में कोई मंत्री नहीं था, तो उन्होंने पूरे धान कितना खरीदा गया, क्या धान का स्टेटस है बिहार में, वो सचिव से वो डाटा ले रहे थे। वहीं सहकारिता विभाग की जो सचिव थी वंदना, उनसे उन्होंने जानकारी ली और पूछा कि कितना धान अब तक जो है खरीदा गया है और आगे कितना खरीदना है। इन तमाम चीज़ों पर नीतीश कुमार ने सिर्फ और सिर्फ उस अधिकारी से बात की, ना कि किसी मंत्री से उन्होंने। तो निश्चित तौर पर ये ऑल इज़ नॉट वेल की बात है। देखिए, एक नया परंपरा जो है वो देखा गया, वो डेवलप हुआ। इससे पहले की अगर बात की जाए तो बिहार में जब NDA की सरकार थी, चाहे वो सुशील कुमार मोदी के समय की हो या मौजूदा समय में जो सरकार बदली उसके पहतार, जब भी भारतीय जनता पार्टी कोटे के किसी भी मंत्री के विभाग की समीक्षा होती थी या बैठक होती थी विभाग से जुड़ा हुआ, तो उसमें उस मंत्री को बुलाया जाता था। इसके साथ ही
जो डिप्टी सीएम होते थे उन्हें बैठक में बुलाया जाता था, लेकिन अब आज जो बैठक हुई ना ही तेजस्वी यादव इस बैठक में नजर आए और ना ही दोनों विभाग के मंत्री। तो निश्चित तौर पर ये सारे संकेत देता है कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के अंदर ऑल इज नॉट वेल वाली जो सिचुएशन है वो है। और ये कहीं ना कहीं जो मौजूदा बयान शिक्षा मंत्री का निकल कर आया है वही है, क्योंकि नीतीश कुमार कभी भी अपने फिट आउट जोन से बाहर नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार के ऊपर अगर उंगलियां उठेंगी, नीतीश कुमार अगर किसी के निशाने पर होंगे तो नीतीश कुमार उस पर कार्रवाई करेंगे। नीतीश कुमार भले ही कुछ न बोले लेकिन उनकी चुप्पी भी जो बड़ा सवाल है ना वो खड़ा कर देती है गणेश। अरे तो ये जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो एक्टिविटी निकल के सामने आ रही है, तस्वीरें भी मुख्यमंत्री की तरफ से वो सामने आता है, पीआरडी की तरफ से जारी किया जाता है, मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से दी जाती है मीडिया को, उन तस्वीरों में दिख रहा है कि नीतीश कुमार के बगल में जो अधिकारी दिख रहे हैं, दो चीज़ हो सकता है, या तो नीतीश कुमार आरजेडी कोटे के मंत्रियों से किनारा करना चाहते हैं, उनके साथ फिट नहीं बैठ रहे हैं, या फिर उनके साथ बात नहीं करना चाहते हैं। नीतीश कुमार को काम तो करना है विभाग में, तो नीतीश आरजेडी कोटे वाले विभाग के मंत्रियों के छोड़कर उनके पदाधिकारी जो सचिव होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, उनको बुलाकर काम निकलवाना चाहते हैं और ये बताना भी चाहते हैं नीतीश कुमार कि मंत्री नहीं भी रहेंगे तो उनके काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए ये काम पर असर नहीं, ये देखिए लीपा पोती वाला बात है। याद कीजिए सुधाकर सिंह प्रकरण में जिस तरीके से सुधाकर सिंह ने कैबिनेट बैठक के बाद नीतीश कुमार को जवाब दिया, उसके बाद तेजस्वी यादव ने हस्तक्षेप किया था, और ये इसलिए किया क्योंकि उसके बाद लगातार नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या विभिन्न राष्ट्रीय जनता कोटे के जो मंत्री हैं उनके साथ नीतीश कुमार नज़र आ रहे थे। ये स्पष्ट बताता है कि जो मौजूदा बयान शिक्षा मंत्री का है इस पर तेजस्वी यादव ने जो स्टैंड क्लियर किया है उस स्टैंड से नीतीश कुमार नाखुश हैं। नीतीश कुमार अब तक इस पूरे मसले पर कोई हल तेजस्वी यादव के साथ नहीं निकाल पाए हैं, और यही कारण है कि दोनों ही लोगों से, एक राष्ट्रीय जनता दल कोटे के मंत्रियों से और खास तौर पर तेजस्वी यादव से उनकी जो दूरी है वो दिख रही है। तो ये दूरी तो महागठबंधन के सेहत के लिए कह सकते हैं कि बहुत अच्छी नहीं है। देखिए निश्चित तौर पर आप गौर कीजिए, जब भी गठबंधन की बात अब हो रही है तो दोनों ही दलों के नेता कह रहे हैं कि ये जो सन्मय बैठा था वो तेजस्वी, वो नीतीश कुमार और लालू यादव के सन्मय से था। तेजस्वी यादव का नाम तीसरे नंबर पे आता है। लालू यादव जिस तरीके की राजनीति किए हैं, नीतीश कुमार जिस तरीके की सियासत कर रहे हैं, जिस तरीके से दोनों ही नेता बिहार को जानते हैं, ऐसे में अब देखिए जो नाम आ रहा है ना वो नीतीश और लालू का आ रहा है, तेजस्वी का आ नहीं रहा। तो निश्चित तौर पर गठबंधन में एवरीथिंग इज नॉट वेल, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मौजूदा परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल के उन नेताओं के साथ और तेजस्वी यादव के साथ अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। नीतीश कुमार ये मैसेज भी देना चाह रहे हैं और शायद इस तस्वीर के माध्यम से मैसेज भी कह सकते हैं नीतीश कुमार ने जो दिखाया है कि भाई विभाग में काम आपकी वजह से नहीं रुकने वाले हैं। और कृषि विभाग की बात करें तो नीतीश कुमार उन्हीं अधिकारियों के साथ काम करते हुए दिख रहे हैं जिन अधिकारियों पर आरजेडी कोटे के जो मंत्री थे वो सवाल उठा रहे थे। लेकिन निश्चित तौर पर जो मौजूदा अभी किसी भी ऐसे बड़े आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ या प्रमोशन नहीं किया गया है विभिन्न विभागों का, तो निश्चित तौर पर जब भी कोई नए मंत्री आते हैं तो वो चाहते हैं कि उनके पसंद का, उनके जैसा, उनके तरह से चलने वाला कोई आईएएस अधिकारी है। और नीतीश कुमार अपने यूएसपी जो उनका है कि सुशासन, तो सुशासन में आला अधिकारियों पर नीतीश कुमार इतनी जल्दी नकेल नहीं कसते, और नीतीश कुमार का जो अपना अंदाज है वो अंदाज नज़र आ रहा है। और यही कारण है, मनमुटाव के कई कारण हो सकते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन मौजूदा जो परिस्थिति है वो बयां करती है कि जो दूरियाँ हैं ना वो बढ़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन। तो संकेत साफ दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से संकेत दिया है, इसके पहले जब भी नीतीश का संकेत इस तरीके से होता था, जब भी नीतीश अकेले बैठक करने लगते हैं तो फिर सहयोगियों की मुसीबत बढ़ जाती है और फिर सहयोगी दोस्त नहीं रह पाते हैं, तो एक बड़ा सवाल है। बहरहाल जो तस्वीरें आई थी उसकी हम चर्चा कर रहे थे और तस्वीरों के पीछे की कहानी भी समझने की कोशिश कर रहे थे अपने सहयोगी से। इस तरह के और भी जो अपडेट आएंगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल बिहार की जो सियासत में क्या कुछ हो रहा है उस पर आप तमाम दर्शकों की नज़र हमारे साथ बनी हुई है।